कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब तो हम लोग जान गए हैं कि कॉनकेव है, तुरंत माइनस लगा दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, इसका आधा हो जाएगा फोकल लेंथ यानी कि -15 सेंटीमीटर। यहां पे हमें यू और वी दोनों नहीं दिए गए हैं। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गिव 5 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, यानी कि मिरर को हम ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखें, यानी यू हमारा कितना हो कि जो इमेज बने वो 5 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बने। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इससे काफी ऊंचा बने, ठीक है, और वर्चुअल बने। वर्चुअल बनेगा तो पॉलिश के पीछे बनेगा, ये हम लोग ने सीखा था। पॉलिश के पीछे होगा तो वर्चुअल होगा, पॉलिश के आगे होगा तो रियल बनेगा। जब भी वर्चुअल बनेगा तो सीधा खड़ा बनेगा, और जब भी रियल होगा तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, सीधा मतलब अपराइट। ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ये भी हम जानते हैं मैग्निफिकेशन, जो ये बोला ना 5 गुना, एक तरीके से हमें एम इज इक्वल टू 5 दे दिया गया। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ी है तो जो आपका वी होगा वो भी यू से 5 गुना बड़ा होगा, ये याद रखिएगा, है ना। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से आधी है तो वी भी यू से आधा होगा। जो ये रेशियो होगा वही ये रेशियो होगा। तो अगर यू हमने ले लिया है -x, माइनस क्यों लिया, बिकॉज यू इज ऑलवेज नेगेटिव। भाई यू तो इस तरफ बन रहा है ना, इसलिए नेगेटिव। और वी अपना क्या हो जाएगा, +5x। ये अब अजम्पशन लेके हम लोग चलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। याद रखिए कि वी जो है वो यू से 5 गुना बड़ा है, तो इसको 5 गुना अलग रख दिया, इसको 1 गुना रख दिया, ये 1x है, ये 5x है, बस खत्म बात। अब हमारा वही मिरर इक्वेशन, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v क्या है, 5x, u क्या है, -x, f हमें क्या दिया गया, -15, करते जाएंगे बस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 5x यहां है, 1 यहां हो जाएगा और -5 यहां हो जाएगा, ठीक है। तो -1/15 उधर भी आ रहा है, -4/5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को इस तरफ ले जाइए, 4/5 यहां आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो 5 3 15, तो और 4 3 12, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने u लिया था -x, यानी कि u अपना आ गया कितना, -12 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। अब पूछा आपसे ये है कि ये भी मतलब एक तरीके से बताना पड़ेगा, आपका 12 सेंटीमीटर तो आ गया है, अब आप बताइए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट क्यों, हम लोग इसे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं, इसे बिहाइंड द मिरर बोलते हैं।